बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यहाँ पे हम बुक रिव्यू पढ़ने जा रहे हैं. लेट्स सी व्हाट्स एन प्राइड एंड प्रेजुडाइस एंड ये किसके लिए स्टैंड करता है प्राइड एंड प्रेजुडाइस. यहाँ पे बुक रिव्यू लिखा हुआ है स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2 पे आ जाइएगा. अबाउट द ऑथर जेन ऑस्टन. जेन ऑस्टन 16 दिसंबर 1775 टू 18 जुलाई 1817 वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट whose works of romantic fiction set among the landed gentry earned her a place as one of the most widely read writers in English literature. She was educated primarily by her father and other brothers as well as through her own reading. Wo educated hui yani ki usne education hasil ki primarily ghar ke andar hi apne father se initially और अपने बाकी भाइयों से एज वेल एज थ्रू हर ओन रीडिंग. और बाकी वो खुद से बहुत ज्यादा रीडिंग करती थी. कल हमने इसकी बायोग्राफी पढ़ी थी, उसके अंदर हमने यही देखा था कि उनके घर के अंदर रीडिंग, फादर की फुल लाइब्रेरी थी. लाइब्रेरी तो एसेस नहीं थी लेकिन बहरहाल उनके घर में रीडिंग करवाई जाती थी और बच्चे किताबें पढ़ते थे. हर वर्क्स इंक्लूड सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडाइस, मैन्सफील्ड पार्क एंड ईमन. ही ऑल्सो रोट नॉर्थएंगर Abbey and Persuasion, both published in 1818, and began writing Sanditon, but died before completing it. Her plots mostly highlight the dependence of women on marriage to secure social standing and economic security. Uske jo plots the plot kise kehte hain? Plot kehte hain sequence of event ko. एक कहानी के अंदर जो सीक्वेंस आ रहा है ना कि जी पहले हीरोइन की एंट्री हुई, फिर उसने ये किया, फिर वो फलाने के घर चली गई, फिर उसकी जिंदगी में ये हुआ वो हुआ. दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी, दैट इज नोन एज प्लॉट्स. ठीक है, प्लॉट इसको कहते हैं. तो प्लॉट जो है वो मोस्टली उसके जितने भी प्लॉट्स हैं यानी कि वो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स उस कहानी के अंदर आते हैं वो मोस्टली हाईलाइट करते हैं उसकी डिपेंडेंस ऑफ वुमन ऑन मैरिज, कि एक औरत जो है वो मैरिज के ऊपर कितना डिपेंड करती है, किस लिए, टू सिक्योर सोशल स्टैंडिंग, ताकि वो सोशल स्टैंडिंग सिक्योर कर सके एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को सिक्योर कर सके. She earned little fame during her lifetime, but the publication in 1869 of her nephew's A memoir of Jane Austen introduced her to a wider public, and it was by 1940s that she became widely accepted in academia as a great writer, a great English writer. उसने अपनी lifetime में ही काफी मकबूलियत हासिल कर ली थी, लेकिन उसकी जो publication थी in 1867 of her nephew's A Memoir of Jane Austen, ठीक है, वो जो उसके नेफ्यू उसका भतीजा था, क्योंकि ये दो बहनें थी, दोनों ने शादी नहीं की थी, ये इसका भतीजा था. और एक्चुअली पहले जेन ऑस्टन इतनी ज्यादा जो है वो जैसे कहना चाहिए उसको फेम नहीं मिली थी, लेकिन जो उसके भतीजे ने जो बुक लिखी थी इन द मेमोर ऑफ अ मेमोर ऑफ जेन ऑस्टन, उसकी वजह से उसको एक वाइडर, वो एक्चुअली दैट वाज द बुक जिसकी वजह से उसको पब्लिकली एक फेम मिली थी. एंड इट वाज बाय 1940s दैट शी बिकेम वाइडली एक्सेप्टेड इन एकेडमिया. और ये वही किताब थी जो उसके भतीजे ने लिखी थी और जिसकी वजह से उसको इतनी ज्यादा जो है वाइडली एक्सेप्टेड, शी वाज वाइडली एक्सेप्टेड इन एकेडमिया एज अ ग्रेट इंग्लिश राइटर. इससे पहले उसको एज अ ग्रेट इंग्लिश राइटर नहीं जाना जाता था, यानी कि उसकी डेथ के बाद जो है एकदम से जो है उसको इस तरह से फेम मिली. अच्छा, सेटिंग्स देख लेते हैं. सेटिंग्स मीन्स कि स्टोरी किस जगह पे हुई, कौन कौन सी प्लेसेस थी, कौन कौन से टाउन्स थे जहां पे स्टोरी जो है वो दैट टेक्स प्लेस. ठीक है, सेटिंग उसको कहा जाता है. अब इस स्टोरी के अंदर, इन द स्टोरी द रीडर्स आर टेकन टू डिफरेंट टाउन्स. आप इसके अंदर डिफरेंट टाउन्स देखेंगे एंड प्लेसेस, बट द स्टोरी इज सेट इन इंग्लैंड एट लार्ज. एट लार्ज इंग्लैंड में हुई है, लेकिन इंग्लैंड के डिफरेंट टाउन्स और प्लेसेस में स्टोरी जो है वो सेट हुई है. फॉलोइंग आर द प्लेसेस डिस्कस्ड इन द नॉवल. नॉवल में ये कुछ प्लेसेस हैं. Longbourn, the Bennet family estate near the town of Meriden. अब जरा देखते जाएं फैमिलीज कितनी हैं, ठीक है?
बेनेट फैमिली कहाँ रहती है? वो लॉन्गबर्न में रहती है. ये पॉइंट्स लिखें काइंडली ताकि आप लोगों को पता हो, क्योंकि यहाँ पे अभी यही होना है कि फैमिलीज एंड टाउन्स, ये सारी कहानी इसी के गिर्द घूमती है. और थोड़ी सी कंफ्यूजन शायद आपको हो, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बनवाऊंगी एंड में, वो आप लोगों ने चार्ट बनाना है एंड इंशाल्लाह वी विल कवर इट. और अच्छा, लॉन्गबर्न द बेनेट फैमिली एस्टेट नियर द टाउन ऑफ मैरिटन. बेनेट फैमिली एस्टेट यानी कि जहाँ पे बेनेट फैमिली रहती थी उनकी, वो लॉन्गबर्न थी स्टेट नियर द टाउन ऑफ मैरिटन. ठीक है, उनकी स्टेट जो कि लॉन्गबर्न थी और द टाउन नियर द टाउन ऑफ मैरिटन, मैरिटन के करीब, जो टाउन ऑफ मैरिटन के करीब इनकी बेनेट फैमिली की स्टेट थी जिसको लॉन्गबर्न कहा जाता था. यहाँ से आप अंदाजा करें कि ये एक स्टेट के अंदर यानी कि एक टाउन के अंदर रह रहे थे. इट विल बी इनहेरिटेड बाय मिस्टर कॉलिंस, जो कि इनहेरिटेड बाय थी मिस्टर कॉलिंस व्हेन मिस्टर बेनेट डाइड, जबकि मिस्टर बेनेट डाइड. मिस्टर बेनेट की असल में जो है बेटा उनका कोई नहीं था, तो एक्चुअली मिस्टर बेनेट के मरने के बाद जो ये जितनी भी स्टेट थी या उनकी जितनी भी जायदाद थी वो मिस्टर कॉलिंस को मिलनी थी, जो उनके खानदान में एक लड़का था. नदरफील्ड बिंगलीज स्टेट नियर लॉन्गबर्न एंड नियर द टाउन ऑफ मैरिटन. नदरफील्ड जो है वो बिंगली स्टेट है, लॉन्गबर्न जो है वो बेनेट फैमिली स्टेट है, और नदरफील्ड बिंगलीज स्टेट है नियर लॉन्गबर्न एंड नियर द टाउन ऑफ मैरिटन. अब देखें, दोनों नियर द टाउन ऑफ मैरिटन है. अब आप ऐसे समझ लें, मैरिटन के एक तरफ जो है लॉन्गबर्न है और मैरिटन के दूसरी तरफ नदरफील्ड है. लॉन्गबर्न में बेनेट फैमिली रहती है, नदरफील्ड में बिंगली फैमिली रहती है, मैरिटन में देखते हैं क्या है, थर्ड यहीं पर टाउन. तो मैरिटन टाउन नियर लॉन्गबर्न वर मिसेस फिलिप्स लिव्स एंड सोल्जर्स आर, मतलब सोल्जर्स वहां पे जो है आते थे और वो वहां पे अपनी प्रैक्टिसेस के लिए आया करते थे. ठीक है, तो वहां पे एक्चुअली सोल्जर्स आया करते थे अपनी प्रैक्टिसेस के लिए. और उसके बाद है रोजिंग्स, लेडी कैथरीन डी बॉज स्टेट इन हंटफोर्ड, लेडी कैथरीन डी बॉज स्टेट. मिस्टर कॉलिन हैज अ पैरिश नियर हिज स्टेट. मिस्टर कॉलिन को जो है लेडी कैथरीन ने जो है पाल पोस के बड़ा किया था, और मिस्टर कॉलिन जो है उसकी जो पैरिश थी वो नियर स्टेट थी. और एलिजाबेथ विजिट्स रोजिंग्स वाइल शी इज विजिटिंग शार्लोटा, और वो एलिजाबेथन जो है वो रोजिंग्स में जाती है, लेडी कैथरीन के घर जाती है वाइल शी इज विजिटिंग शार्लोटा, जब वो शार्लोटा को विजिट करती है, उसकी फ्रेंड होती है. उसके बाद है पेम्बर्ली, मिस्टर डार्सी स्टेट इन डेबरशायर, पेम्बर्ली मिस्टर डार्सी की स्टेट है. हर्टफोर्डशायर द कंट्री वेयर लॉन्गबर्न नेदरफील्ड एंड मैरिटन आर लोकेटेड. अब ये जो हम तीनों स्टेट्स पढ़ रहे थे, लॉन्गबर्न, नेदरफील्ड और मैरिटन, ये एक्चुअली दे आर अ पार्ट ऑफ हर्टफोर्डशायर. ठीक है, तो ये तीनों जो है हर्टफोर्ड शायर में है. एंड हंट्सफोर्ड क्या है? द टाउन वेयर शार्लोटे एंड मिस्टर कॉलिन लिव, मिस्टर कॉलिन लिव यानी कि जहाँ पे मिस्टर कॉलिन और शार्लोटे रहती है वो हंट्सफोर्ड है. उसके बाद है ब्रिंगटन, द टाउन टू विच द सोल्जर्स फ्रॉम द मैरिटन आर मूव. ब्रिंगटन से जो सोल्जर्स हैं वो मूव किए गए थे मैरिटन. ठीक है, फॉर देयर वो जो उनकी प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, उनकी एक्सरसाइजेस होती हैं उसके. और डर्बी शायर द कंट्री वेयर मिस्टर डार्सी स्टेट पेम्बर्ली इज लोकेटेड. और डेबर शायर जो है मिस्टर डार्सी की स्टेट पेम्बर्ली जहाँ पे लोकेटेड है उसको पेम्बर्ली कहा जाता है. अब मेन इसमें जो है मिस्टर डार्सी की स्टेट आ गई. ठीक है, उसके बाद हमारी बेनेट फैमिली की स्टेट है, और फिर उसके बाद बिंगली फैमिली की स्टेट है. ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं, मेजर थीम्स देख लेते हैं इसमें क्या है. बट व्हाई इस नॉवल को क्यों प्राइड एंड प्रेजुडाइस कहा गया? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल इन प्राइड एंड प्रेजुडाइस? क्यों यहाँ पे प्राइड का जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि हम प्राइड एंड प्रेजुडाइस, ये तो हमने सेटिंग्स पढ़ी हैं. लेट्स सी कि प्राइड किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है. व्हाई जीन ऑस्टन
has selected the title Pride and Prejudice? And that is a very important question. Aksar aata hai ke Pride and Prejudice ki significance of the title. Pride and, what is the significance of title Pride and Prejudice? Mostly ye question aa jata hai. Ab Pride ko dekhte hain ke Pride kya hai. As said in the words of Mary at the beginning of the novel, human nature is particularly prone to pride. अब शुरू में ही नॉवल के मैरी कहती है जो जेन जो जो हीरोइन होती है उसकी बहन होती है यानी कि एलिजाबेथ बेनेट की बहन होती है मैरी कहती है कि ह्यूमन नेचर इज पर्टिकुलरली प्रोन टू प्राइड कि ये ह्यूमन नेचर जो है ना ये पर्टिकुलरली इसके अंदर ये दैट इज मतलब वो थोड़ी सी झुकी हुई है या उसके अंदर इनबॉर्न एक प्राइड रख दिया गया है वॉल्यूम 1 चैप्टर 5 के अंदर ये उसकी कोट है In the novel, pride prevents the characters from seeing the truth of a situation, from achieving happiness in the life. और novel के अंदर हम देखते हैं कि उन्हीं लोगों का यानी कि human nature के अंदर ये जो pride है, जो छुपा हुआ pride है, actually वही उसको रोकता है characters को कि वो truth of situation जो है उसको समझ नहीं सकते and from achieving happiness in the life. और इस वजह से वो जो है हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर सकते फिर वो कहता है कि प्राइड इज वन ऑफ द मेन बैरियर्स दैट क्रिएट्स एन ऑब्स्टेकल टू एलिजाबेथ एंड डार्सीज मैरिज दैट इज द प्राइड जिसकी वजह से जो कि एक रुकावट थी एलिजाबेथ और डार्सी की शादी के दरमियान एक्चुअली मेन जो कैरेक्टर्स हैं वो एलिजाबेथ और डार्सी यानी कि हीरोइन जो है प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल दैट इज एलिजाबेथ एंड हीरो इज Darcy. Darcy's pride in his position in society leads him initially to scorn anyone outside of his own social circle. Darcy ka jo pride tha, jo uski apni social status tha na, uske upar baaz logon ko agar social status, balki baaz kya maximum logon ka ye problem hai, agar unko ek society ke andar ek social position mil jati hai, to shayad wo ye hak samajh lete hain ki wo apne se जो निचले लोग हैं ना जिनका शायद उनसे कम दर्जा है शायद सोसाइटी के अंदर उनका स्टेटस कम है तो शायद वो उनको स्कॉर्न करना उनका मजाक उड़ाना या उनको कमतर समझना शायद वो अपना हक समझ लेते हैं कि ये शायद उनको एज अ एक वो मिल गया लेकिन यहाँ पे डार्सी का जो प्राइड होता है सेम उसी तरीके से डार्सी का जो प्राइड होता है जो कि उसकी अपनी पोजीशन इन सोसाइटी जो पोजीशन उसको सोसाइटी में स्टेटस मिला हुआ है एक्चुअली वो ही उसको लीड करता है इनिशियली कि वो किसी को भी स्कॉर्न करे आउटसाइड ऑफ इन हिज ओन सोशल सर्कल जो कि उसके सोशल सर्कल से बाहर के लोग हैं फिर वो कहता है कि एलिजाबेथ वैनिटी क्लाउड्स हर जजमेंट दूसरी तरफ एलिजाबेथ की वैनिटी जो होती है उसकी उसका भी उसके अंदर भी प्राइड होता है वैनिटी इज आल्सो अ प्राइड सेकंड नेम ऑफ द प्राइड अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो एलिजाबेथ की जो वैनिटी एलिजाबेथ का जो प्राउड था प्राइड था वो क्लाउड कर देता है उसकी जजमेंट को यानी कि उसकी जजमेंट को वो अंधा कर देता है मेकिंग हर प्रोन टू थिंक इल ऑफ डार्सी कि वो हमेशा डार्सी के बारे में गलत ही सोचती है एंड टू थिंक वेल ऑफ विकम और हमेशा वो विकम के बारे में वेल ही सोचती है अच्छा सोचती है हालांकि ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के बिल्कुल बरक्स होते हैं लेकिन एलिजाबेथ का वो जो प्राइड होता है बाज़ुकात हमारा जो प्राइड होता है एक्चुअली हम किसी इंसान को नहीं जज कर सकते जब तक हम हमारी आंखों पे ये जो प्राइड है ना इसकी पट्टी बंधी हुई होती है सिंपली इज दैट ठीक है तो ये अब हम स्टोरी के अंदर जाके देखेंगे कि एलिजाबेथ का प्राइड क्या था कि वो डार्सी और विकम दोनों को मिसअंडरस्टैंड कर रही थी ऐसा क्या था कि दोनों को वो मिसजज कर रही थी क्या उसके दिमाग में ऐसी सोच थी या ऐसा क्या वो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन वाला भी एक सीन था कुछ इस नॉवल के अंदर तो लेट्स सी कि इसके अंदर क्या होता है क्योंकि अभी बता दिया तो फिर कहानी सुनाने का मजा नहीं आएगा इन द एंड एलिजाबेथ्स रिब्यूक्स ऑफ डार्सी हेल्प हिम टू रियलाइज हिज फॉल्ट और आखिर में एलिजाबेथ जो है वो रिब्यूक करती है डार्सी को जो कि हेल्प करता है उसको कि वो रियलाइज करे अपनी फॉल्ट को कि डार्सी को अपनी गलती का एहसास हो एंड टू चेंज अकॉर्डिंगली
और जिसकी वजह से वो उसके हिसाब से चेंज होता है एज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन हिज जेन्युइनली फ्रेंडली ट्रीटमेंट ऑफ द गार्डनर्स. और फिर उसके बाद जो है वो एक फ्रेंडली ट्रीटमेंट उसका होता है टुवर्ड्स द गार्डनर्स हुम ही प्रीवियसली वुड हैव स्कॉर्न्ड बिकॉज ऑफ देयर लो सोशल क्लास. जबकि पहले इससे पहले जब एलिजाबेथ की यानी कि रिब्यूक करने से पहले डार्सी को वो पहले अपने से लो क्लास लो सोशल क्लास को हमेशा स्कॉर्न करता था लेकिन अब वो उनकी तरफ जेन्युइनली फ्रेंडली ट्रीटमेंट शो करता है. Darcy's letter shows Elizabeth that her judgment were wrong and she realizes that they were based on vanity not on reason. Darcy ke jo letter hain wo show karte hain Elizabeth ko ki uski jo judgments hain wo wrong thi galat thi aur wo realize karti hai ki they were based on vanity not on reason. Ki wo logic aur reason pe based nahi karte wo karte the wo to vanity pe. Prejudice, prejudice किसे कहते हैं? उर्दू में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे जी इंसाफ, जजमेंट. ठीक है, अब देखते हैं जनाब प्राइड एंड प्रेजुडाइस का आपस में लिंक क्या है एंड व्हाट इज प्रेजुडाइस हियर. प्राइड एंड प्रेजुडाइस आर इंटीमेटली रिलेटेड इन द नॉवल एज क्रिटिक ए वॉल्टन लिड्स कमेंट्स इन प्राइड एंड प्रेजुडाइस वंस वन कैन नॉट इक्वेट डार्सी विद प्राइड और एलिजाबेथ विद प्रेजुडाइस. कोई भी ना तो इक्वेट कर सकता है डार्सी को प्राइड के साथ ना ही एलिजाबेथ को प्रेजुडाइस के साथ. डार्सीज प्राइड ऑफ प्लेस इज फाउंडेड ऑन सोशल प्रेजुडाइस व्हाइल एलिजाबेथ इनिशियल प्रेजुडाइस अगेंस्ट हिम इज रूटेड इन द प्राइड ऑफ हर ओन क्विक परसेप्शन. डार्सी का जो प्राइड था वो एक्चुअली प्राइड ऑफ प्लेस इज फाउंडेड इन सोशल प्रेजुडाइस. वो जो उसको सोशल स्टेटस मिल गया था ना डार्सी का तो प्राइड उस वजह से था. एलिजाबेथ को क्यों इतना ज्यादा मतलब एलिजाबेथ के इनिशियल प्रेजुडाइसेस क्यों थे उसके उसके अंदर कैसा प्राइड था. उसका एक्चुअली प्राइड था ऑफ हर ओन क्विक परसेप्शन. हम किसी को देखते हैं पहली नजर में ही हम एक परसेप्शन या हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये इंसान ऐसे ही होगा और वो जो हमारे गुमान में एक चीज बैठ जाती है ना एक दफा गुमान में एक बात आ जाए ना वो कहते हैं ना वहम का कोई इलाज नहीं होता. सेम इज द केस कि अगर हम एक इंसान के बारे में एक गुमान और एक क्विक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं ना तो बाज़ औकात हम एक्चुअली खुद अपने आप को उस अच्छे इंसान से दूर कर रहे होते हैं. उसमें उस अच्छे इंसान का नुकसान नहीं होता उसमें हमारा नुकसान होता कि हम एक अच्छे इंसान से दूर होते. तो दैट इज ऑल्सो अ प्राइड. और मैं आप लोगों को हमेशा एक बात कहती हूँ कि बेटा किसी को भी एनीवन किसी को भी अपने से कमतर समझना ये भी तकब्बुर है. किसी को भी जैसे मैं आपको कहती हूँ कि हम कहते हैं अच्छा मैं अपनी फलानी फ्रेंड से तो बेहतर हूँ फलानी बहन से तो बेहतर हूँ तो व्हाट इज दिस. यही है ना दिस इज द प्राइड कि मुझे अपने आप पे इतना नाज है कि मैं फलाने से तो बेहतर हूँ. नहीं यही तो आपका तकब्बुर है जो आपको रायदाना तकब्बुर जो इंसान के जहन्नुम में जाने का बाइस बनता है. तो यहीं पे हम जो है एक्चुअली दैट इज आवर आल्सो वी हैव अ प्राइड ऑफ आवर ओन क्विक परसेप्शन और दैट इज रूटेड इन अस. हम हमेशा किसी के बारे में भी एक फोन करके ही अंदाजा लगा लेते हैं हालांकि ऐसा नहीं होता. हो सकता है मेरी फर्स्ट परसेप्शन जो है किसी के बारे में गलत हो लेकिन क्योंकि हमें अपनी सोच पे हमें अपने प्रेजुडाइस के ऊपर बड़ा नाज होता है दैट्स व्हाई हम कभी भी किसी इंसान को सही जज नहीं कर पाते. मोस्टली ऐसा ही होता है. हाउएवर डार्सी ट्राइज टू ओवरकम हिज प्रेजुडाइस एज इट इज डेमोंस्ट्रेटेड व्हेन ही ट्रीट्स गार्डनर्स विद ग्रेट सिविलिटी. डार्सी कोशिश करता है अपने प्रेजुडाइस को ओवरकम करने की जब वो बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंडली बिहेव करता है ग्रेट सिविलिटी के साथ बिहेव करता है किसके साथ गार्डनर्स के साथ जो कि लोअर स्टेटस के मालिक होते हैं. द गार्डनर्स आर एज मच लोअर क्लास देन डार्सी बिकॉज मिस्टर गार्डनर इज अ लॉयर एंड मस्ट प्रैक्टिस अ ट्रेड टू अर्न अ लिविंग रादर देन लिविंग ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एन स्टेट एज जेंटलमैन डू. From the beginning of the novel, Elizabeth prides herself on her keen ability for perception. उसको बड़ा नाज होता है भाई अपने ऊपर कि भाई मेरी एक
मेरे अंदर एक बहुत बड़ी एबिलिटी है कि मैं बहुत अच्छा परसेप्ट करती हूँ किसी को भी, या बहुत अच्छा जज कर लेती हूँ किसी को भी, उसकी पर्सनैलिटी को. येट दिस सपोज्ड एबिलिटी इज ऑफन लैकिंग, हालांकि ये सपोज्ड एबिलिटी जो है ये लैक करती है. नाउ व्हाट इज दिस, व्हिच लिटरेरी टर्म इज डिस्कसिंग हियर, दिस इज आयरनी, कि वो सोचती कुछ है लेकिन रियलिटी में कुछ और होता है. As in the Elizabeth judgment of Darcy and Wickham, और इसी तरह Elizabeth की judgment of Darcy, कि Elizabeth ने जो judge किया Darcy और Wickham के बारे में. Woman and marriage in Pride and Prejudice. Austen is critical of the gender injustices present in 19th century English society. The novel demonstrates how women such as Charlotte need to marry simply in order to gain financial security. Charlotte jo hai wo Elizabeth ki bahut close friend hoti hai, aur is novel ke andar dikhaya gaya hai ki ek aurat jo hai wo just simply marry karti hai ek shakhs ke sath kyunki usko apne to gain financial security. Or the entanglement of the Longbourn estate is an extreme hardship on Bennet family. Elizabeth jo hai wo Bennet family se taluk rakhti thi, to ye entanglement of Longbourn estate jo hai wo actually extreme hardship thi Bennet family ke liye, and is quite obviously unjust. Aur ye unjust bhi tha. Kyun unjust tha? The entanglement of Mr. Bennet's estate leaves his daughter in a poor financial situation, and both were requires them to marry and make it more difficult to marry well. Aur unki maa jo hai wo bahut pareshan thi, aur finally wo yahi koshish kar rahi hoti hai kyunki Mr. Collins ko jo hai Mr. Bennet ki death ke baad Mr. Collins ko sari jayadad milni hoti hai aur betiyon ko kuch bhi nahi milta. To unki maa jo hai wo bahut pareshan hoti hai ki meri in panch betiyon ki shaadi jo hai वो किसी अच्छे घर में हो जाए, ताकि वो एक फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसको सिक्योर कर सके. और इस वजह से वो जो है कोशिश कर रही होती है कि मेरी कोई एक बेटी मिस्टर कॉलिंस से शादी कर ले, ताकि वो जो मिस्टर बेनेट की जितनी भी जायदाद है वो वापस किसी एक बेटी के पास आ जाए. क्लियरली ऑस्टन बिलीव्स दैट वुमन आर एट लीस्ट एज इंटेलिजेंट एंड कैपेबल एज मैन. ऑस्टन ये भी बिलीव करती है कि वुमेन उतनी ही इंटेलिजेंट हैं जितने और कैपेबल हैं जैसे कि मर्द हैं, एंड कंसीडर्स देयर इंफीरियर स्टेटस इन सोसाइटी टू बी अनजस्ट. और ये जो औरत का स्टेटस सोसाइटी के अंदर एक इंफीरियर स्टेटस उसको दे दिया गया, वो इसको अनजस्ट कहती है. शी हरसेल्फ वेंट अगेंस्ट कन्वेंशन बाय रिमेनिंग सिंगल, और वो खुद जो है उसने कभी शादी नहीं की जिंदगी में, और इसी और वो इसने उसने ये इस ट्रेडिशन के वो इसी वजह से अगेंस्ट गई और उसने शादी नहीं की. एंड अर्निंग अ लिविंग थ्रू हर नॉवल, और उसने कहा कि अगर सोशल स्टेटस के जरिए ही इंसान को शादी ही करनी है तो बेहतर है कि वो जो है अर्न कर ले. ठीक है, अर्न करके. और नॉर्मली ये सोच आज की जनरेशन के अंदर प्रिवेल कर चुकी है के अर्निंग के लिए या आपके सोशल स्टेटस के लिए आपको शादी करना होती है. और मोस्टली हम लोग नॉर्मली हमारी सोसाइटी के अंदर ये भी एक प्रॉब्लम आ चुकी है कि या तो अक्सर लोग शादी नहीं करते या फिर बहुत लेट, या फिर इसी सोच के साथ कि शायद सोशल स्टेटस. हालांकि मैरिज इज नॉट जस्ट फॉर द सोशल स्टेटस, टू सिक्योर अ गुड सोशल स्टेटस, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है और हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते. इससे आगे मेरा ख्याल है हमें बात करनी ही नहीं चाहिए कि ये अल्लाह का निज़ाम है. दैट इज़ नॉट द सोशल स्टेटस टू सिक्योर अ सोशल स्टेटस कि हम शादी करते. अल्लाह का निज़ाम है और हमें इसको पूरा करना, नॉट इज द थिंग कि जी हमने सिक्योर कर लिया सोशल. और इसी सोच की वजह से इस वक्त सोसाइटी के अंदर डिफरेंट क्लैशेस भी आ रहे हैं. इस पे हम बाद में बात करेंगे. बहरहाल हम टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं फैमिली. ऑस्टन पोर्ट्रेज द फैमिली एज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन. फैमिली लाइफ देखते हैं इसके अंदर कैसी थी. थीम ऑफ फैमिली के ऑस्टन पोर्ट्रे करती है फैमिली को एज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलेक्चुअल, कि फैमिली एक्चुअली प्राइमरीली आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आपके इंटेलेक्चुअल के लिए,
एंड मॉरल एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चों की मॉरल एजुकेशन के लिए फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल होता है. इसमें कोई शक नहीं है कि फैमिली की वजह से ही बच्चों की मॉरल एजुकेशन होती है, और फैमिली ही प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चों की इंटेलेक्चुअल और मॉरल एजुकेशन के लिए. और मिस्टर, और आज के दौर में खैर हमारा फैमिली वाला तो जो है सिस्टम मेरा ख्याल है कहीं दूर ही भाग गया. आज तो बस मर्द भी कमा रहा है और औरत भी कमा रही है, बिकॉज सोशल स्टेटस मैटर्स अ लॉट फॉर अस रादर देन आवर फैमिली. मिस्टर एंड मिसेस बेनेट्स फेलियर टू प्रोवाइड दिस एजुकेशन फॉर देयर डॉटर्स लीड टू द अटर शेमलेसनेस, फूलिशनेस एंड इमोर्टैलिटी ऑफ लिडिया. मिस्टर और मिसेस बेनेट्स फेलियर, मिस्टर और मिसेस बेनेट का जो फेलियर होता है कि वो अपनी बच्चियों को नहीं एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, लीड्स टू अटर शेमलेसनेस, फुलिशनेस एंड इमोरालिटी ऑफ लिडिया. लिडिया के अंदर, लिडिया की दैट लीड्स, मतलब कि जो उन्होंने अपनी बच्चियों को एजुकेट नहीं किया. मिस्टर बेनेट जो थे वो नॉर्मली मोस्टली अपना टाइम जो है वो किताबों में, एक लाइब्रेरी के अंदर, उनके घर के अंदर जो लाइब्रेरी बनी हुई थी वो वहीं पे गुजार दिया करते थे, और मिसेस बेनेट जो हैं वो इधर उधर के कामों में. जैसे नॉर्मली हम औरतें हर काम करती हैं, लेकिन हम शायद अपने किसी हद तक हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देते या उनको मॉरली एजुकेट नहीं करती, जो कि हमारी असल में ड्यूटी है. यहाँ पे वही बेनेट फैमिली का फेलियर दिखाया गया कि दोनों मियाँ बीवी मिल के भी अपनी बच्चियों को एजुकेट नहीं कर सकते, और फिर वो कहाँ किस हद तक लीड किया, वो लिडिया की इमोरालिटी, ठीक है, उसकी फुलिशनेस और उसकी शेमलेसनेस तक पहुंच गई ये बात. क्यों? क्योंकि उस बच्ची की ग्रूमिंग ठीक नहीं हुई थी, और ये भी एलिजाबेथ की बहन थी. एलिजाबेथ एंड जेन हैव मैनेज्ड टू डेवलप वर्च्यू एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन स्पाइट ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ देयर पेरेंट्स. दोनों जो बड़ी बहन थी, एलिजाबेथ और जेन, वो जो है वो मैनेज, वो डेवलप कर लेती हैं अपने अंदर कुछ वर्च्यू एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन स्पाइट ऑफ देयर नेग्लिजेंस ऑफ द पेरेंट्स, परहैप्स थ्रू द हेल्प ऑफ देयर स्टडीज एंड गुड इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर, हु आर द ओनली रिलेटिव्स इन द नॉवल दैट टेक अ सीरियस कंसर्न इन द गर्ल्स वेल बीइंग एंड प्रोवाइड साउंड गाइडेंस. एलिजाबेथ और जेन ऑस्टन, क्योंकि घर में दोनों बड़ी बहनें थी, नॉर्मली बड़े बच्चे जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि पेरेंट्स इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए हैं. तो स्पेशली जो बड़े वाले बच्चे होते हैं ना, बड़े दो बच्चे, आप नॉर्मली फैमिलीज में नोट कीजिएगा, बड़े जो पहले दो बच्चे होते हैं वो वाकई बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो वक्त से पहले ही कुछ बड़े हो जाते हैं. और उन्होंने काफी अपनी एजुकेशन और स्टडीज और गुड इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर, जो कि उनके अंकल और आंट थे, उनके अच्छे कंसर्न की वजह से, उनकी कंपनी की वजह से, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से वो बहुत अच्छा, मतलब काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल थी. एलिजाबेथ एंड जेन आर कॉन्स्टेंटली फोर्स्ड टू पुट अप विद द फुलिशनेस एंड पुअर जजमेंट ऑफ देयर मदर एंड द सार्कास्टिक इंडिफरेंस ऑफ देयर फादर. एलिजाबेथ और जेन जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है अपने मदर की फुलिशनेस और पुअर जजमेंट की वजह से बहुत ज्यादा, और मतलब वो कॉन्स्टेंटली फोर्स होती हैं या इरिटेट होती हैं एंड द सार्कास्टिक इंडिफरेंस ऑफ देयर फादर. और वो जो सार्कास्टिक इंडिफरेंस होता है उनके फादर का, एक्चुअली बाप बहुत ज्यादा शायद पढ़ा लिखा होता है, दैट्स वाई वो अपने आप को किताबों में ही मशगूल कर लेता. नॉर्मली दैट इज द स्टोरी ऑफ ईच एंड एवरी होम ऑफ टुडे, के औरत के पास शायद टीवी और मोबाइल के अलावा या इधर उधर गप्पे मारने के अलावा शायद कोई काम नहीं है, और मर्दों के अपने ही और किस्म के परस्यूट्स हैं जिसकी वजह से बच्चे बड़े इग्नोर होते हैं. आई थिंक सो, जो मेरा अपना, बल्कि इनफैक्ट जब एक दफा शादी हो जाती है तो आई थिंक सो कि अगर हम अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा जीना शुरू करते हैं तो शायद थोड़ा सा बुढ़ापा आसान हो जाता है. लेकिन क्या करें, हमें तो फिक्र है कि हम भी तो जवान हैं और हमने भी तो अपनी लाइफ गुजारनी है, एंटरटेनमेंट तो हमें भी चाहिए. तो उस एंटरटेनमेंट के पीछे किसी हद तक माँ और बाप अपने बच्चों को भूल जाते हैं. माँ सिर्फ किचन की हद तक ही रह जाती है कि मैंने 3 टाइम का खाना दे दिया बच्चों को और दैट इज ओके. बाप सिर्फ कमाने तक रह जाता है कि मैंने कमा के दे दिया, दैट इज ओके. लेकिन तरबियत की तरफ बहुत कम पेरेंट्स आते हैं, बहुत ही कम पेरेंट्स आते हैं.
बाकी बच्चों को स्कूल भेज दिया, चलो जी हमारे सर का दर्द वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है। तो दैट इज द मेन थॉट जो कि अब प्रिवेल कर चुकी है हमारी सोसाइटी में, और जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी इस वक्त बहुत ज्यादा स्पेशली द किड्स द चिल्ड्रन दे आर फेसिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि उनको मॉरली और उन हमारे बच्चों को साइकोलॉजिकली जज करने वाला कोई नहीं है, उनको अंडरस्टैंड करने वाला कोई नहीं है। आज के स्कूल्स के अंदर अब जो है मुझे बड़ी हैरानी होती है स्कूल्स के अंदर, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है अपने बच्चों के पास बैठने का, तो दैट्स व्हाई स्कूल के अंदर साइकेट्रिस्ट जो है वो इंडक्ट कर लिए गए। मेरे बेटे के स्कूल के अंदर एक साइकेट्रिस्ट है जो कि इंडक्ट किया गया है, जो सिर्फ बच्चों की काउंसलिंग करता है, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं रहा काउंसलिंग करने का। अब ये काम भी स्कूलों के पास चला गया है, ये काम भी अब स्कूल वाले करेंगे कि जी बच्चा आएगा वो अपने घर की पूरी स्टोरी जो है वो सुनाएगा एक साइकेट्रिस्ट को, और देन साइकेट्रिस्ट उसकी काउंसलिंग करेगा कि बेटा जी ऐसे नहीं होता तो वैसे हो, ठीक है। तो पिछले दिनों मेरे ही बच्चे के स्कूल में एक बच्चे ने सुसाइड कर ली थी, तो दैट्स वाई जो है फाइनली स्कूल वालों को इंडक्ट करने पड़े साइकेट्रिस्ट स्कूल के अंदर। तो देखें इस वक्त हमारे बच्चों को हमारी कितनी जरूरत है, जिसको हमने टीवी के आगे छोड़ दिया है कि वो वहां पे बैठ के फ्रस्ट्रेट होते रहे। फ्रस्ट्रेटेड जो मीडिया के अंदर चीजें दिखाई जा रही हैं वो हमारे बच्चों को किस हद तक फ्रस्ट्रेट कर रही हैं ये हमें पता भी नहीं। Even when Elizabeth advises her father not to allow Lydia to go to Brighton, he ignores the advice because he thinks it would be too difficult to deal with Lydia's complaining. यहाँ तक कि Elizabeth अपने father को advise भी करती है कि वो Lydia को allow ना करें to go to Brighton. He ignores the advice, लेकिन वो उस advice को ignore कर देता because he thinks it would be too difficult to deal with Lydia's complaining. क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है कि अब लिडिया को समझाया भी जाए। आजकल के पेरेंट्स यही कहते हैं, ये लो भाई बेटा पैसे पकड़ो जाओ जाके चीज खा लो, बच्चे को टैबलेट दे दो, बच्चा रो रहा है टैबलेट दे दो। आप बच्चे को समझने की कोशिश नहीं करते, बच्चा रो रहा है ये मोबाइल पकड़ाओ भाई उसको, वो टीवी ऑन कर लो बेटा, कार्टून देख लो। उसने भी यही काम किया, ठीक है। उसके फादर ने जब एलिजाबेथ ने मना किया, अपने फादर को एडवाइस किया कि भाई आप लिडिया को मत भेजे ब्राइटन, तो फादर ने उसको कहा कि भाई ये मैं ये लिडिया की कंप्लेनिंग के साथ भाई मैं जो है ना सर नहीं कबा सकता, क्योंकि उसके लिए उसकी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसके लिए उसकी बेटी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं थी। द रिजल्ट इज द स्कैंडल ऑफ लिडियाज एलोपमेंट विद विकम, और जो रिजल्ट क्या है इस स्कैंडल का कि लिडिया भाग जाती है विकम के साथ, और फिर उस फैमिली को कितनी ज्यादा एम्बेरसमेंट जो है वो फील होती है। उसके बाद है क्लास, consideration of class are omnipresent in the novel. Consideration of class. Darcy's inordinate pride is based on his extreme class consciousness, yet eventually he sees that factors other than wealth determine who truly belongs in the aristocracy. Darcy ki inordinate pride jo hai wo kis pe base kar rahi thi, uski extreme class consciousness pe. Hum log apni class conscious, हम लोग बहुत ज्यादा क्लास कॉन्शियस हैं, नॉट ओनली आवर क्लास कॉन्शियस, हम दूसरों के क्लास कॉन्शियस भी बहुत ज्यादा। ऐसे ही लग रहा हो तो दूसरे ने ज्यादा अच्छा कपड़ा पहना हो, मैंने अच्छा नहीं पहना, उसके वो उसका वाला कलर था ना वो ज्यादा अच्छा था, तो शायद ये उसकी जो स्टेटस है उसका क्लास है, दैट्स व्हाई। तो हम मोस्टली बहुत क्लास कॉन्शियस हो जाते हैं, येट इवेंचुअली ही सीज दैट फैक्टर्स अदर देन वेल्थ डिटरमाइन, यहाँ तक के वो ये भी देखते हैं कि factors other than wealth determine who truly belongs in the aristocracy. Not only wealth aapki determine karte hain, balki aapke bahut se dusre factors bhi hote hain, like aap morally kaise baat karte hain, aapka baat karne ka tarika, aapka uthne baithne ka tarika, ye bahut sare factors hote hain other than wealth jo ke ek aristocratic se belong karte hain, jo truly ek aristocracy se belong karte hain. Jaise hum normally kisi ke bare mein comment kar dete hain jo nahi karna chahiye, किसी को भी हम देखते हैं ना थोड़ा सा अच्छी फैमिली से है या वेल ऑफ फैमिली से है लेकिन वो कुछ गलत बिहेव कर जाता है, तो हम कहते हैं अभी नया नया अमीर हुआ है ना इसलिए ऐसे कर रहा है, कहते ना ऐसे।
तो यानी कि अभी नया नया एरिस्टोक्रेसी में कदम रखना है इसलिए से, तो दैट इज द सेम केस के वो भी इसी तरह से कहता है कि मैनर्स और आपकी ये सारी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग ये आपके बहुत मैटर करते हैं एक एरिस्टोक्रेसी को बिलोंग करने के लिए. दो सच एज मिस बिंगली एंड मिस्टर हर्ट्स हु आर बॉर्न इनटू एरिस्टोक्रेसी आर इडल मीन स्पिरिटेड एंड अनोइंग. Mr. and Mrs. Gardiner are not members of aristocracy in terms of wealth or birth, but are natural aristocrats by virtue of their intelligence, good breeding, and virtue. अब इस सिचुएशन में आयरनी कहाँ लाई करती है? मिस बिंगली और मिस्टर हर्ट्स जो हैं, वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनके जो मैनर्स थे, they were idle, mean, spirited, or annoying. जबकि मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर जो थे वो किसी हाई एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से नहीं ताल्लुक रखते थे, बट दे वर एरिस्टोक्रेटिक इन द टर्म्स ऑफ वेल्थ, नॉट इन टर्म्स ऑफ वेल्थ ऑफ बर्थ, बट आर नेचुरल एरिस्टोक्रेट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर इंटेलिजेंस. वो एरिस्टोक्रेट्स थे अपनी इंटेलिजेंस में, अपने गुड ब्रीडिंग में और अपनी वर्च्यू में. और डार्सी यही बात करता है कि इंसान जो है अगर वो एरिस्टोक्रेटिक है या किसी एरिस्टोक्रेसी से बिलोंग करता है तो सिर्फ उसके लिए वेल्थ जरूरी नहीं है, उसके लिए गुड ब्रीडिंग, इंटेलिजेंस और वर्च्यू भी जरूरी है. द कॉमिक फॉर्मैलिटी ऑफ मिस्टर कॉलिंस एंड हिज ऑब्सीक्वस रिलेशनशिप विद लेडी कैथरीन सर्व एज अ सटायर क्लास कॉन्शियसनेस एंड सोशल फॉर्मेलिटी. और ये जो कॉमिक फॉर्मेलिटी होती है ऑफ मिस्टर कॉलिन और उसकी ऑब्सीक्वस रिलेशनशिप है विद लेडी कैथरीन, वो सर्व करती है एज अ सटायर क्लास कॉन्शियसनेस. ये वो सर्व करती है ये जो मिस्टर कॉलिन की और उसका उसका जो ऑब्सक्योर रिलेशन. लेडी कैथरीन कौन थी? लेडी कैथरीन एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड थी, बहुत क्लोज फ्रेंड थी. तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक सटायर है किसके ऊपर? क्लास कॉन्शियसनेस के ऊपर और सोशल फॉर्मेलिटीज. लेडी कैथरीन जस्ट एक सोशल फॉर्मेलिटी के तौर पे मिस्टर कॉलिंस जैसे बेवकूफ इंसान से शादी कर लेती है जस्ट फॉर सोशल स्टेटस. इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. द नोवेल पोर्ट्रेज अ वर्ल्ड इन विच सोसाइटी टेक्स एन इंटरेस्ट इन द प्राइवेट वर्च्यू ऑफ इट्स मेंबर्स. व्हेन लिडिया एलोप्स विद विकम, देयरफॉर इट इज स्कैंडल टू द होल सोसाइटी एंड इंजरी टू एंटायर बेनेट फैमिली. नॉवल जो है वो पोर्ट्रे करता है एक वर्ल्ड को जिसके अंदर एक सोसाइटी जो है वो परवान चढ़ती है एंड इंटरेस्ट इन प्राइवेट वर्च्यू ऑफ इट्स मेंबर, कि जिसके अंदर हर मेंबर के उसकी प्राइवेट वर्च्यू है, यानी कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ वर्च्यू है ना, हमारा जो नेकी का जो स्टैंडर्ड है हर किसी का डिफरेंट है. हम कहते हैं हमने इस सिचुएशन में यूं और यूं किया, हम रियल वर्च्यू की तरफ नहीं जाते, हमारी अपनी प्राइवेट वर्च्यूज है, ऐसे ही ठीक है. तो दैट इज द थिंग, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि हमारी वर्च्यू ये है कि जब कोई अच्छी आंटी आती है घर में, यानी कि कोई दीनदार आंटी आती है, तो हम बच्चे को कहते हैं जरा नाक तो सुनाओ या कोई तिलावत सुना दो या नमाज सुना दो. और जब कोई थोड़ी मॉटस्कॉट आंटी आती है या किसी ऐसी फैमिली ने आना होता है तो हम उनको वैसे ही कपड़े पहना देते हैं बच्चों को, और फिर उनको बिहेव भी वैसा करना सिखाते हैं कि बेटा वो जरा फलाना सॉन्ग तो सुनाओ. तो दैट इज अवर प्राइवेट वर्च्यू कि हम डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर डिफरेंट तरह से, और इनफैक्ट हम अपने बच्चे को हाइपोक्रेसी सिखा रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं कि बेटा जी डिफरेंट लोगों के आगे डिफरेंट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. हम उसको ये नहीं बताते कि तुम्हारी अपनी भी कोई पहचान है या तुम्हारी अपनी भी कोई आइडेंटिटी है. व्हेन लिडिया एलोप्स विद विकम, देयरफॉर इट इज स्कैंडल टू द होल सोसाइटी. जब लिडिया जो है विकम के साथ भाग जाती है तो ये होल सोसाइटी के लिए एक स्कैंडल होता है एंड एन इंजरी टू एंटायर बेनेट फैमिली, और एंटायर बेनेट फैमिली के लिए एक इंजरी होती है. वैसे तो हमारी सबकी वर्च्यूज प्राइवेट है, लेकिन जब कोई स्कैंडल होता है तो वो पूरी सोसाइटी का बन जाता है, हर इंसान की जबान पे एक बात आ जाती है. डार्सी कंसीडर्स हिज फेलियर टू एक्सपोज द विकेडनेस ऑफ विकम्स कैरेक्टर टू बी अ ब्रीच ऑफ सोसाइटी ड्यूटी. और डार्सी जो है वो उसको अपना फेलियर समझता है टू एक्सपोज द विकेडनेस ऑफ विकम कैरेक्टर, कि उसने विकम के कैरेक्टर को एक्सपोज नहीं किया टू बी अ ब्रीच ऑफ हिज सोशल ड्यूटी, कि ये उसकी सोशल ड्यूटी थी कि कम अज कम उसको विकम को एक्सपोज करना चाहिए था कि वो एक अच्छा कैरेक्टर का मालिक नहीं है. बिकॉज इफ विकम्स ट्रू कैरेक्टर हैड बीन नोन, अदर्स वुड नॉट हैव बीन सो इजीली डिसीव्ड बाय इट.
कि अगर बाकियों को पता होता विकम के कैरेक्टर का तो कोई भी जो है उससे डिसीव ना होता, धोखा ना खाता. वाइल ऑस्टन इज क्रिटिकल ऑफ सोसाइटीज एबिलिटी टू जज प्रॉपरली एज डेमोन्स्ट्रेटेड स्पेशली इन देयर जजमेंट ऑफ विकम एंड डार्सी, शी डज बिलीव दैट सोसाइटी हैज अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग वर्च्यू. सॉरी, ऑस्टन जो है वो इज क्रिटिकल ऑफ सोसाइटीज एबिलिटी टू जज प्रॉपरली, और ऑस्टन जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है सोसाइटी की एबिलिटी के बारे में कि वो प्रॉपरली उसको जज करें, एज डेमोन्स्ट्रेटेड स्पेशली इन देयर जजमेंट्स ऑफ विकम एंड डार्सी, कि सोसाइटी जो है वो विकम और डार्सी को प्रॉपरली जज करे. शी डज बिलीव दैट सोसाइटी हैज अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग वर्च्यू. सोसाइटी का एक क्रूशियल रोल है भाई प्रमोटिंग वर्च्यू, कि वो वर्च्यू को प्रमोट करें. Austen has a profound sense that individuals are social beings and their happiness is found through relationships with others. और Austen जो है उसकी एक profound sense है Jane Austen की कि वो कि individuals are social beings, कि हम individuals जो हैं हम इस society का part हैं, we are social beings and that their happiness is found through relationship with others. और हमारी जो happiness है वो दूसरों के साथ relationship में ही found होती है. ऐसा नहीं है कि हम अलहदा ईंट की अलहदा मस्जिद बना लें और हम अपने अपने घरों में बंद होके रह जाएं, बल्कि वी आर द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी और हमारी हैप्पीनेस जो है वो इन्हीं रिलेशंस के साथ है जो कि हम दूसरों के साथ निभाया करते हैं. अकॉर्डिंग टू क्रिटिक रिचर्ड सिम्पसन, ऑस्टन हैज अ थॉरो कॉन्शियसनेस दैट मैन इज अ सोशल बीइंग एंड दैट अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी देयर इज नॉट इवन द इंडिविजुअल. और एक क्रिटिक रिचर्ड सिम्पसन ने कहा कि ऑस्टन जो है ऑस्टन हैज अ थॉरो कॉन्शियसनेस, कि उसकी एक थॉरो कॉन्शियसनेस है कि इंसान जो है वो एक सोशल बीइंग है और वो दैट अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी देयर इज नॉट इवन द इंडिविजुअल. और अकेला जो इंसान है, यानी कि वो कहने का मतलब ये है कि नो मैन इज एन आइलैंड. आइलैंड क्या होता है? एक जजीरा होता है जो कि बाकी तमाम दुनिया से कटा हुआ होता है. क्यों? क्योंकि जैसे कतर को देख लेना, वो एक जजीरा है, ठीक है, और वो अरब ममालिक से कटा हुआ है. जस्ट एक उन्होंने बीच में कोई रोड सी बनाई है जिसकी वजह से वो अरब ममालिक से जुड़ता है. तो वो कहता है कि इंसान जो है ना वो सोशल बीइंग है, ठीक है, सोसाइटी का एक पार्ट है. दैट अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी देयर इज नॉट इवन द इंडिविजुअल, क्योंकि सोसाइटी से दूर रह के एक इंडिविजुअल की अपनी कोई शनाख्त नहीं होती. ठीक है, हर इंसान जो है वो बेस्ड है दूसरे के ऊपर. ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बच्चों को पेरेंट्स की जरूरत नहीं है या पेरेंट्स को उनके बच्चों की जरूरत नहीं है. ऐसा हो ही नहीं सकता. या मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आपको मेरी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है. ठीक है, एवरी पर्सन इज द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी एंड वी हैव टू प्ले अ रोल इन आवर सोसाइटी. वी आर अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी. We are the social beings and we have the play. We cannot live apart from this society. हम इस society का ही हिस्सा हैं और हम इसी के अंदर रह के जो है हम अच्छा और बुरा feel भी करते हैं, सीखते भी हैं, society से बहुत कुछ हम लेते भी हैं और society को फिर हमें बहुत कुछ देना भी चाहिए. Characters देख लेते हैं आगे. Characters कौन कौन से हैं finally? ये जनाब है Bennet family, ठीक है, ये बहने हैं जनाब. Elizabeth Bennet, the novel protagonist, the second daughter of Mr. and Mrs. Bennet, most intelligent and sensible, her realization of Darcy's essential goodness eventually triumphs over her initial prejudice against him. ठीक है, शुरू के में ही वो जो assume कर लेती है Darcy के बारे में initial prejudice जो है, जिसकी वजह से वो Darcy को सही realize नहीं कर पाती. Fitzwilliam Darcy, he is Bingley's best friend and the nephew of Lady Catherine de Bourgh. Lady Catherine de Bourgh ka wo nephew hota hai. He is very wealthy and handsome and proud bachelor. He is viewed as rude and conceited by all the inhabitants of the Meriton. Theek hai, bahut zyada rude tha, conceited by all the inhabitants of the Meriton. He is intelligent and honest, but his pride causes him to look down on his social inferiors. और अपने से नीचे के लोगों को वो थोड़ा कम दर्जा समझता था.
For almost all his action may be traced to pride, and pride has often been his best friend. But tamam, uske tamam dar ye, uske character ko ye line jo hai, jo George Wickham ne boli thi, kahi thi Darcy ke baare mein, Fitzwilliam Darcy ke baare mein, usne kaha tha, for almost all his action may be traced to pride, ki uske jitne bhi actions hai na, wo uske pride ko show karte hain. And pride has often been his best friend, or pride is his best friend. This jo line hai na, isko beta zarur apne notes mein likhiyega. Aur jab aap iska character likhenge Darcy ka, to ye zarur likhiyega. Even Pride and Prejudice mein bhi ye line aapki quote aa sakti hai. However, Darcy gradually tempers his class consciousness and eventually falls in love with and marries Elizabeth. Lekin is class conscious ke bawajood wo jo hai मोहब्बत करता है एलिजाबेथ से और फाइनली उससे शादी भी करता है. जेन बेनेट सबसे बड़ी सिस्टर, द एल्डेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल बेनेट सिस्टर. जेन इज मोर रिजर्व्ड एंड जेंटलर देन एलिजाबेथ. शी इज लेटर मैरिड टू मिस्टर बिंगली. दो फैमिलीज होती हैं, मिस्टर बिंगलीज फैमिली एंड बेनेट फैमिली. और फाइनली जो है मिस्टर बिंगली के साथ जेन बेनेट की शादी हो जाती है, चार्ल्स बिंगली. देखते हैं जनाब चार्ल्स बिंगली कौन था. मिस्टर बिंगली इज अ वेल्दी यंग बैचलर हु मूव इनटू बेनेट्स नेबर. मिस्टर बिंगली जो है एक वेल्दी यंग बैचलर होता है जो कि बेनेट्स यानी कि जेन सॉरी एलिजाबेथ बेनेट के घर के करीब ही जो है शिफ्ट हो जाता है. ही हिज परचेस ऑफ नेदरफील्ड एंड एस्टेट नियर द बेनेट्स सर्व एज द मोमेंटम फॉर द नॉवल. होता क्या है कि मिस्टर बिंगली जो है ना वो एक एस्टेट खरीद लेता है, परचेस ऑफ नेदरफील्ड एन एस्टेट. ठीक है, वो जो नेदरफील्ड जो है वो एक एस्टेट होती है और वो क्योंकि अमीर घराने का मालिक होता है. तो जो है अब ये जो एस्टेट नियर द बेनेट्स, ये एक एस्टेट होती है जो कि नियर द बेनेट्स होती है, यानी कि बेनेट फैमिली यानी कि जो हीरोइन की फैमिली होती है एलिजाबेथ बेनेट की फैमिली, उसके करीब जो है ये कोई एस्टेट होती है जिसकी वजह से अब वो इनके हमसाय में नेबरहुड में आके रहना शुरू कर देता है और पूरे उस एरिया के अंदर उस स्टेट के अंदर शोर मच जाता है कि यहाँ पे कोई अमीर ज्यादा आया है जिसने नेदरफील्ड जो है वो खरीद लिया. एंड फाइनली उस पूरे इलाके के अंदर एक शोर मच जाता है कि भाई अमीर ज्यादा आया, अब लेट्स सी कि किसकी शादी इसके साथ होती है. क्योंकि थीम ऑफ मैरिज है तो एक्चुअली द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिस थीम ऑफ मैरिज. ठीक है, तो इस वजह से हिज फ्रेंडली नेचर कंट्रास्ट विद डार्सी. अब इसकी ये टोटली डार्सी और ये दोनों फ्रेंड्स होते हैं चार्ल्स बिंगली और डार्सी. डार्सी जितना रूड बिहेव करता है उतना ही ये फ्रेंडली होता है. चार्ल्स बिंगली जो है वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है एज कंपेयर्ड विद डार्सी. डार्सी उसका बेस्ट फ्रेंड होता है. ही इज अनकेयरिंग अबाउट क्लास डिफरेंसेस, और वो क्लास डिफरेंसेस के बारे में टोटली अनकेयरिंग है. मिस्टर बेनेट द पेट्रियार्च ऑफ द बेनेट फैमिली. ठीक है, पेट्रियार्च किसे कहते हैं, मेल डोमिनेंट. मेल डोमिनेंट था, जो मैनली मैन था बेनेट फैमिली का, ऑल इन वन वो पेट्रियार्च जो था वो बेनेट फैमिली का मिस्टर बेनेट थे. ही हैज वेरी लिटिल इंटरेस्ट इन ड्यूटीज ऑफ पोलाइट सोसाइटी और इन रेजिंग हिज डॉटर्स. वो अपनी कोई ड्यूटी नहीं समझता था इस पोलाइट सोसाइटी के अंदर या अपनी डॉटर्स को रेज करने में, उनकी तरबियत करने में. For example, when Elizabeth rejects Mr. Collins' proposal, Mrs. Bennet asks for her husband's opinion, but he merely replies. For example, jab Elizabeth reject कर देती है Mr. Collins का जो proposal होता है, जो कि इन्हीं Mr. Bennet की family का ही कोई दूर पड़े का जो रिश्तेदार होता है जिसको जायदाद मिलनी होती है Mr. Bennet के मरने के बाद. तो जब मिसेस बेनेट कहती हैं अपने हस्बैंड की ओपिनियन के मतलब इसके बारे में कुछ रिप्लाई करें, एलिजाबेथ ने रिजेक्ट कर दिया मिस्टर कॉलिन से शादी करने के लिए, तो वो कहता है व्हाट एम आई टू डू ऑन द ओकेजन. मतलब मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ. इट सीम्स एंड होपलेस बिजनेस. ये तो एक कोई होपलेस बिजनेस है. मिस्टर बेनेट ने ये वर्ड्स कहे थे वॉल्यूम 1 चैप्टर 20. ही फाइंड्स हिज वाइफ एंड हिज 3 यंगेस्ट डॉटर टू बी अनबेयरली सिली. वो अपनी वाइफ को और अपनी 3 छोटी बेटियों को अनबेयरली सिली समझता है, बट एलिजाबेथ एंड जेन मेक हिम प्राउड. लेकिन एलिजाबेथ और जेन जो है वो उसको मेक हिम प्राउड, यानी कि वो उसके लिए प्राउड का बायस है.
Mrs. Bennet, she is a foolish, noisy woman whose greatest aspiration is to have her 5 daughters married off. 5 बेटियां हैं भाई उसने जिसकी जिनकी शादियां करनी है और वो जो है बहुत ही कोई foolish, noisy woman है. बाज़ुकात थोड़े बच्चे ज्यादा हो जाए ना औरतें भी noisy हो जाती हैं. तो वो कुछ इसी तरह की खातून बन गई थी. मिसेस बेनेट यानी कि टिपिकल हाउसवाइफ थी और काफी foolish और noisy woman थी. Mrs. Bennet does not approve of Elizabeth's logic and particularly and Elizabeth is her least favorite daughter. Mr. Bennet jo hai na wo kabhi bhi Elizabeth ki logic aur practicality ko kabhi bhi approve nahi karti thi aur Elizabeth jo hai wo uski least favorite daughter thi. Normally jo typical maaye hoti hai na jo bahut koi logical beti hoti hai na bete ke upar nahi is tarah maaye react karti. लेकिन कुछ बेटियां होती हैं कुछ ज्यादा ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल होती हैं तो वो जो है शायद मदर्स को ये लगने लग जाता है ऑल्दो उनको ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि बेटी भी आपकी कोई सही बात कर सकती है. तो वो जो एलिजाबेथ क्योंकि बहुत ज्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल थी तो वो कुछ उनसे हजम नहीं होती थी. तो इस वजह से इस तरह की जो बेटियां होती हैं सम टाइम्स वो माओ की लीस्ट फेवरेट हो जाती हैं. Elizabeth was the least dear to her, her all of her children. Elizabeth जो है वो भी least dear थी, यानी कि बाकी सब बहन भाइयों से उसकी नहीं बनती थी, बहनों से, यानी कि बाकी बच्चों से, भाई तो थे, खैर था ही कोई नहीं. Mary Bennet, the middle Bennet sister who is very bookish, she is the only one of the Bennet girl who remains unmarried. Catherine Bennet, the fourth Bennet sister, like Lydia, she is girlishly enthralled with the soldiers. कैथरीन बेनेट जो है ये फोर्थ बेनेट सिस्टर थी और लिडिया की तरह वो भी सोल्जर्स के साथ एंथ्रॉल्ड हो जाती है यानी कि रिलेशंस बना लेती है. लिडिया यानी कि फ्लर्टियस नेचर होती है. लिडिया बेनेट द यंगेस्ट बेनेट सिस्टर शी इज गॉसिपी इमैच्योर एंड सेल्फ इन्वॉल्वड इन एंड शी मैरिज जॉर्ज विकम. जॉर्ज विकम के साथ वो भाग के शादी कर लेती. जॉर्ज विकम अ हैंडसम फॉर्च्यून हंटिंग मिलिट्रिया ऑफिसर. मिलिट्री ऑफिसर होता है. विकम्स गुड लुक एंड चार्म अट्रैक्ट एलिजाबेथ. उसका जो यूनिफॉर्म होता है ना फौजी का वो एक्चुअली उसको लिडिया को जो है उसको उसके अंदर चार्म नजर आता है. नॉर्मली ये जो है लड़कियों के अंदर ये चीज देखी जाती है कि जस्ट फोर्सेज के यूनिफॉर्म की वजह से लड़कियां जो है उनके अंदर चार्म देख रही होती हैं. ही कन्विंसेस हर दैट ही वॉज ग्रेटली रॉन्ग बाय मिस्टर डार्सी. But soon she learns of his true character and realizes that she has been mistaken. Wickham later marries Lydia after they run away together. Wickham ki good looks aur charm jo hai Elizabeth ko initially bahut attract karti hai lekin baad mein aur wo usko convince bhi karta hai ki Mr. Darcy jo hai wo bahut bura insaan hai lekin baad mein usko realize ho jata hai jab Lydia jo hai Wickham ke sath bhag jati hai. Mr. Collins अ पॉम्पस क्लर्जी मैन यही मिस्टर कॉलिन होता है जिससे कहा था इसकी माँ ने कि भाई तुम शादी कर लो एलिजाबेथ को. अ पॉम्पस क्लर्जी मैन हु इज मिस्टर बेनेट्स कजन एंड विल इनहेरिट हिज एस्टेट व्हेन मिस्टर बेनेट डाइज. कि जब मिस्टर बेनेट मरता है तो उसके बाद जो है यानी कि वो जब उसकी डेथ के बाद जो है सारी जायदाद किसको मिलेगी वो मिस्टर कॉलिन्स को मिलेगी और बेटियों को कुछ नहीं मिलेगा. शार्लोटे लुकास Elizabeth's dear friend Charlotte does not view love as the most vital component of a marriage and is more interested in having a comfortable home. Thus, when Mr. Collins proposes, she accepts. ठीक है इसलिए जब Mr. Collins उसको propose करता है तो वो accept कर देती है. Sir William Lucas, he is Charlotte's father. Charlotte का father जो है उसका नाम Sir William Lucas और Maria Lucas जो है उसकी younger sister Charlotte Lucas की और Miss Bingley. Miss Bingley jo hai Bingley's noble sister she bears inordinate disdain for Elizabeth middle class background. Miss Bingley jo hai wo ek snobby sister hoti hai Bingley ki Mr. Bingley ki aur she bears inordinate disdain for Elizabeth middle class aur wo bada Elizabeth ki middle class background ki wajah se usko kafi disordain karti hai disdain karti hai disordinate disdain karti hai uski yani ki usko कमतर समझती है उसकी बेइज्जती करती है. मिसेस हर्स्ट शी इज बिंगलीज ओल्डर मैरिड सिस्टर हु इज जस्ट एट टू फेस्ड एज मिस्टर मिस बिंगली. मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर मिसेस बेनेट्स ब्रदर
एंड हिज वाइफ, ठीक है, मिसेस बेनेट का भाई और उसकी वाइफ, दे आर केयरिंग, नर्चरिंग एंड फुल ऑफ कॉमन सेंस. Mrs. Gardiner and Elizabeth are quite close because Elizabeth's own mother is silly while Mrs. Gardiner is more thoughtful and practical like Elizabeth. Mr. Gardiner tries to find Lydia and Wickham when they have run away together. आगे Lady Catherine de Bourgh है, a rich, bossy, noble woman who is Darcy's wealthy aunt and Colin's patroness. She greatly illustrates class snobbery. लेडी कैथरीन डी बॉर्ज होती है एक रिच बोसी नोबल वुमन होती है डार्सी की, ये वेल्दी आंट होती हैं और वो ग्रेटली इलस्ट्रेट करती हैं क्लास नोबरी को, एज शी इज अ फोर्सफुल लेडी हु एक्सपेक्ट्स एवरीवन टू अप्रिशिएट एंड फॉलो हर एडवाइस ऑन एवरी टॉपिक. डार्सी की आंट होती हैं लेकिन वो चाहती हैं कि उनकी बेटी की शादी डार्सी के साथ हो जाए. मिस डी बॉर्ज, मिस डी बॉर्ज इज डार्सी कजन एंड लेडी कैथरीन डॉटर, लेडी कैथरीन की डॉटर होती है. उसके बाद जॉर्जियाना डार्सी, डार्सी सिस्टर, शी इज इमेंसली प्रीटी एंड जस्ट एज शाय, शी इज वेरी बिकॉज शी वाज ऑलमोस्ट गोन इनटू एलोपिंग विद मिस्टर विकम व्हिच वुड हैव बीन अ ग्रेव मिस्टेक, शी हैज ग्रेट स्किल्स एट प्लेइंग पियानो फोर. कर्नल फिट्स विलियम, कर्नल फिट्स विलियम इज डार्सीज कजन एंड ऑल्सो सो गार्डियन ऑफ मिस डार्सी, डार्सीज लिटिल सिस्टर. आगे बायोग्राफी है बेटा, ये आप देख लीजिएगा. इसके कैरेक्टर्स हैं, इन कैरेक्टर्स का एक छोटा सा चार्ट मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है आपके फेसबुक के ऊपर, उसको देख लीजिएगा. लेकिन कल मैं आपको वो चार्ट पूरा समझाऊंगी कि कैरेक्टर्स को आपने किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि कैरेक्टर्स भी ज्यादा हैं, जगह भी ज्यादा हैं. तो इन सारी जगहों को, इन सारे कैरेक्टर्स को मैं कल आपको एक छोटा सा चार्ट बनवाऊंगी, जिसके बाद आपको ये सारा समझ आ जाएगा कि इस पूरी कहानी में क्या है. व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने आप लोगों को इसकी उर्दू समरी शेयर की है. जिनके पास बुक्स नहीं है काइंडली वो एक दफा उर्दू समरी पढ़ लें और उसके कैरेक्टर्स को दोबारा पढ़ लें, क्योंकि कल से फिर हमारा प्लॉट प्लॉट कंस्ट्रक्शन और इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन और उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे. तो बेटा आज जो है इसको गौर से पढ़िएगा, कल मैं आपको जस्ट एक आउटलाइन दूंगी, देन वी विल स्टार्ट प्लॉट कंस्ट्रक्शन एंड फाइनली देन क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह. मेरे ख्याल अभी